हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, धीरे धीरे सही लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अब पॉपुलर होती जा रही है। लेकिन अभी जो हमें इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने को मिलती है, मैक्सिमम उनमें से स्लो चार्ज होती है, कम स्पीड देती है और कम रेंज देती है। और जो स्कूटर्स वाकई में अच्छी हैं वो बहुत महंगी है। लेकिन अभी सिंपल मार्क टू एक स्कूटर आने वाली है जो कि सिंपल एनर्जी कंपनी बना रही है। सिंपल एनर्जी एक बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है जो जल्द ही अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल मार्क टू इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। तो चलिए सिंपल मार्क टू के कुछ टेक्निकल स्पेक्स पर नज़र डालते हैं। तो सिंपल मार्क टू में हमें जो मोटर देखने को मिलेगा वो 9.5 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा। आमतौर पर हमें जो मार्केट में पेट्रोल स्कूटर्स देखने को मिलती है, जैसे कि एक्टिवा, जुपिटर, इन सब में हमें लगभग 7 PS के आसपास पावर देखने को मिलता है। तो पावर के मामले में ये स्कूटर काफ़ी अच्छी है। 72 न्यूटन मीटर का हमें इसमें टॉर्क देखने को मिलेगा। 0 to 50 की स्पीड ये स्कूटर 3.2 सेकेंड्स पे अचीव कर लेगी, जो कि एथर 450X से भी फास्ट है। मुझे इस स्कूटर में सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसे बनाने में कंपनी एक भी चाइनीज सामान यूज नहीं कर रही है। इसमें जो सारे पार्ट्स हैं उसमें से 79 से 85% इंडियन कंपोनेंट्स होंगे, और जो लिथियम आयन बैटरी है वो जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसी कंट्री से इम्पोर्ट होगी। चाइना से इस स्कूटर में कुछ भी नहीं लगा होगा, तो ये काफी अच्छी बात है। ये स्कूटर फास्ट चार्जिंग के साथ आई। इसमें जो बैटरी लगी होगी इसका वेट सिर्फ 6 kg होगा। 0 to 50% ये बैटरी सिर्फ 20 मिनट में चार्ज हो जाएगी। 0 to 80% चार्ज होने में इसे सिर्फ 40 मिनट का वक्त लगेगा, और 0 to 100% चार्ज होने में सिर्फ 1 आवर एंड 5 मिनट का वक्त लगेगा। इसमें हमें 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। इको मोड में ये गाड़ी 40 किलोमीटर टॉप स्पीड में जाएगी और इसकी रेंज 260 किलोमीटर हो जाएगी। नॉर्मल मोड में मैक्सिमम स्पीड होगी 60 किलोमीटर और रेंज होगी 220 किलोमीटर। स्पोर्ट्स मोड में ये गाड़ी 100 किलोमीटर तक ही टॉप स्पीड अचीव कर लेगी और इसकी रेंज हो जाएगी 180 किलोमीटर। अभी जो इंडिया में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है एथर 450X, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है और अलग से सब्सक्रिप्शन चार्ज भी देना पड़ता है, तो उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन इस स्कूटर की कीमत, जैसा कि इस सिंपल एनर्जी के फाउंडर सुहास राजकुमार जी ने कहा है, इसकी कीमत 1.1 लाख के अंदर होगी, यानी 1,10,000 के अंदर होगी इसकी कीमत। इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो फरवरी 2021 में होगी, ये कंपनी ने ऑफिशियली कह दिया है। तो 2021 में ये स्कूटर हमें देखने को मिल जाएगी। शुरुआत में सिर्फ कुछ ही सिटीज में अवेलेबल होगी। उम्मीद करते हैं जल्द ही पूरे इंडिया में सेल होगी। कंपनी का विजन है जुलाई 2021 तक 50,000 यूनिट बनाना। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो सिंपल मार्क टू इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर। अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इंटरेस्ट है तो कल ही मैंने अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर वीडियो बनाया था, जो ऊपर आप आई प्रिंट पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।